एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क होने के बावजूद आखिर क्यों हो रहे हैं हादसे? क्या सरकार का रेल पर ध्यान नहीं या ध्यान देना नहीं चाहती? जब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता तब तक ट्रेनें भगवान भरोसे ही चलेंगी। एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क होने के बावजूद आखिर क्यों हो रहे हैं हादसे? क्या सरकार का रेल पर ध्यान नहीं या ध्यान देना नहीं चाहती? हम आपको बताएंगे सब कुछ अपने शो भारत एट नाइन में। हमारे देश में अधिकतर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। पसंद करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रेल यात्रा सस्ती और आरामदायक है। इसकी वजह से भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। दुनिया में भारतीय रेलवे चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या करीब 8000 है। समय के साथ भारतीय ट्रेनों और स्टेशनों में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। भारतीय रेलवे काफ़ी एडवांस है और यहाँ की ट्रेन भी। स्टेशन काफ़ी हाईटेक हो गए हैं। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे कई हाई स्पीड ट्रेनें चला रहा है। भारतीय रेलवे से करीब 2.50 करोड़ लोग हर दिन यात्रा करते हैं, जबकि 33 लाख टन माल भी ढोता है। देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कई बार ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ती है। ये रही हमारी रेल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। अब हम बात कर लेते हैं आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं पर। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि आज यानी मंगलवार को एक और ट्रेन दुर्घटना का शिकार बन गई। मंगलवार सुबह ये हादसा झारखंड के टाटानगर के पास चक्रधरपुर में हुआ, जहां हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CMMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इस रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी। हावड़ा CSMT मेल इसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई, जबकि गोंडा में चंडीगढ़ त्रिभुवनगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले साल 2 जून को बालासोर ट्रेन हादसे के कई सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। बालासोर में तीन ट्रेनें आपस में टकराई थी। उस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दुर्घटना सिग्नल विफलता का परिणाम थी, लेकिन इसने एक बार फिर से भारत में रेलवे सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थी। भारत की विशाल रेलवे प्रणाली, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे है, ये हर दिन 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा फैले देशव्यापी ट्रैक नेटवर्क पर लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को लाती ले जाती है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2022 में लगभग 5200 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई। मंत्री ने कहा कि हर साल 8000 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। वैष्णव ने भी बताया कि 100 किलोमीटर घंटा तक की गति से चलने वाली ट्रेनों को समायोजित करने के लिए अधिकांश पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा था। एक बड़े हिस्से को 130 किलोमीटर घंटे तक की गति के लिए बढ़ाया जा रहा था और एक महत्वपूर्ण खंड को अपग्रेड किया जा रहा था। 160 किलोमीटर घंटे तक की हाई स्पीड के लिए तैयार किया जा रहा था। स्पष्ट रूप से यह देश भर में तेज ट्रेनें चलाने की सरकार की योजना का हिस्सा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और अहमदाबाद शहर के बीच एक वास्तविक हाई स्पीड लाइन अलग से बनाई जा रही है। फिर भी रेलवे बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि ट्रेनों का पटरी से उतरना रेलवे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक ट्रेन कई कारणों से पटरी से उतर सकती है। ट्रैक का रखरखाव खराब हो सकता है, कोच खराब हो सकता है और गाड़ी चलाने में गलती हो सकती है। साल 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि 70% रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले साल 68% से ज्यादा था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आ जाते हैं, जो कुल दुर्घटनाओं में क्रमशः 14% और 8% के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में साल 2019-20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और 7 मालगाड़ियों से संबंधित 14 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गई थी। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रैक खराबियों के कारण हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक पटरी से उतरने की केवल 9 घटनाएं ट्रेनों इंजन कोच वैगन में खराबी के कारण हुई। दाते से बनी रेलवे पटरियां गर्मी के महीनों में फैलती है और सर्दियों में तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सिकुड़ती हैं। उन्हें नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। ढीले ट्रैक को कसना, स्लीपर बदलना और अन्य कोचों के और चीजों के अलावा चिकनाई, समायोजन स्विच है। इस तरह का ट्रैक निरीक्षण पैदल, ट्रॉली, लोकोमोटिव और अन्य वाहनों द्वारा किया जाता है। भारत रेलवे का सुझाव है कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों को हर 3 महीनों में कम से कम एक बार 110 किलोमीटर घंटे से 130 किलोमीटर घंटे तक की गति बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए ट्रैक का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। भारतीय ट्रेनों में टकराव रोधी उपकरण यानी कवच लगाए जाने के बारे में बहुत चर्चा हुई है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे RDSO ने भारतीय रेलवे के लिए विकसित किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। इस तकनीक का सफल प्रयोग पिछले साल ही किया जा चुका है। हालांकि ये तकनीक देश के सभी रेल रूट पर उपलब्ध नहीं है। ये प्रणाली अभी केवल 2 प्रमुख रूट दिल्ली और कोलकाता के बीच और दिल्ली और मुंबई के बीच लगाई जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को सभी रेलवे ट्रैक पर लागू करने की दिशा में काम लगातार जारी है। रेलवे के अनुसार कवच टेक्नोलॉजी ट्रेनों के आपस में भिड़ंत को रोकने का काम करती है। इस तकनीक में सिग्नली जंप करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाती है। कवच प्रणाली में हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। ब्रेक विफल होने की स्थिति में कवच ब्रेक के स्वचालित अनुप्रयोग द्वारा ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एक्सपेक्ट लोको पायलटों को कम दिखाने पर भी यह संकेत देता है। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर ट्रेनें रुक जाती हैं। जब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता तब तक ट्रेनें भगवान भरोसे ही चलेंगी। @9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।